की एक्सेस ऑफ सिमिट्री क्या होती है एक्सेस ऑफ सिमिट्री वो लाइन होती है जिसके अराउंड अगर हम कम्पाउंड को रोटेट करें और इस तरह रोटेट करें की वो सेम अपियर जो है शो करे एक से ज्यादा बार ड्यूरिंग द कम्पलीट रिवोल्यूशन थ्रू थ्री सिक्सटी डिग्री अब टू फोल्ड का मतलब क्या होता है टू फोल्ड का मतलब है यहां पे कि हम जो कंपाउंड को रोटेट कर रहे हैं वो 180 डिग्री अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ए इथाइलिन की इथाइलिन इथाइलिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पे ये यह जो ईन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बीच में डबल बॉन्ड है एथ का मतलब है दो कार्बन है यहां पर ये यह आ जाएंगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इसमें कितनी टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी ये हम यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं तो इस डायग्राम में ये जो ये C2 ये C2 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री को तो यहाँ पे टोटल जो है तीन टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे पॉसिबल हैं थ्री टू फोल्ड टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री सिमिट्री अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी साइक्लोप्रोपेन की इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सो दिस इज़ ऑप्शन बी साइक्लोप्रोपीन, प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे साइक्लो वर्ड का मतलब है कि एक रिंग स्ट्रक्चर है प्रोप का मतलब है कि तीन कार्बन की चेन है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं इस कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगी इस कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगी और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगी अब इसमें कितनी टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ये यह यहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं तो इस साइक्लोप्रोपेन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये यह तीन ये जो तीन है ये टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम मैंशन कर देते हैं थ्री टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी की हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें ऑप्शन सी में क्या गिविन है हमें यहाँ पे ऑप्शन सी में गिविन है साइक्लोब्यूटेन तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं ऑप्शन सी है हमारा साइक्लोब्यूटेन साइक्लो, ब्यूटेन साइक्लो, साइक्लो वर्ड का मतलब हो गया एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है अब ब्यूट का मतलब क्या है ब्यूट का मतलब है कि ये चार कार्बन की चेन है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है ये चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से होगा दो कार्बन हो गए ये ये हो गया थर्ड कार्बन ये हो गया फोर्थ कार्बन ये आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं तो हर एक कार्बन के साथ में यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच होंगी कुछ इस तरह अब इसमें कितनी टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी ये हम जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम साइक्लोब्यूटेन केस में आप देखें तो यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव तो, तो, तो टोटल फाइव टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं फाइव मैं यहाँ पे इसको दोबारा मेंशन कर देती हूँ दिस इज फाइव टू फोल्ड टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस आई जस्ट राइट दिस बिलो यर ऑफ सिमेट्री सिमेट्री अब अगर हम बात करें ऑप्शन डी की ऑप्शन डी में हम देख लेते हैं हमें क्या क्यों है ऑप्शन डी में हमें यहाँ पे गिवन है एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी में हमें गिवन है बेंजीन तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें पता है बेंजीन बेंजीन बेसिकली इसमें क्या होता है एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें छह कार्बन होते हैं और इसमें ऑल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड होते हैं तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेंजीन के केस में ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच होती है तो बेंजीन के केस में कितनी टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ये हम देख लेते हैं तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं बेंजीन के केस में सेवन टू फोल्ड टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री हाँ नीचे मैंशन कर देते हैं सिमेट्री ये पॉसिबल है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो मिल रही है बेंजीन के केस में तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजीन तो यहां पे यह हमारा करेक्ट आंसर है सो आई एल जस्ट कंक्लूड इट हेयर नाउ आई एल जस्ट राइट दिस एट द एंड आई एल जस्ट राइट इट हेयर दैट द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी Option D. I hope you understood the explanation. Thank you.